गुड मॉर्निंग टू ऑल इन दिस वीडियो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 14.3 एंड 14.4 पॉइंट फोर क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग 14.3 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर जो है वो बायोग्राफ्स वगैरह है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछते हैं ठीक है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 ऑफ क्लास नाइन्थ द चैप्टर नेम इज़ स्टैटिस्टिक्स इससे पहले हम लोग फोर्टीन पॉइंट वन वर्बली डिस्कस की थी हम लोगों ने वीडियो में एंड फोर्टीन पॉइंट टू को हमने बिल्कुल रिप्रेजेंट करके बताया था आपको कि अगर आपको टेलीमार्क या जो भी है डेटा उसको अगर ग्रुप में चाहे अनग्रुप हो वो उसको अगर एक जगह अरेंज करना हो तो आप किस मेथड से करोगे फाइन अब जो आपके फोर्टीन पॉइंट थ्री की अगर हम बेसिक देखें है ना फोर्टीन पॉइंट थ्री की बात कर रही हूँ मैं तो उसमें बार ग्राफ बने हुए हैं बार ग्राफ ऐसे बार्स होती है ठीक है और उन बार्स के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स करने हैं क्वेश्चन के इसलिए मैं उसको स्किप करवा रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ देखने वाली है और ड्रॉ बायोग्राफ तो हमारे पूछेगा नहीं हमसे है ना बायोग्राफ ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल भी, भी नहीं पूछेगा जो भी क्वेश्चन है आपके फोर्टीन पॉइंट थ्री के वो आप लोग भले ही स्किप भी कर सकते हो चाहे तो और एक बार देख लेना उनके आंसर्स आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फोर्टीन पॉइंट थ्री का उसके अंदर बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि भैया एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसका कॉज था इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ फिफ्टीन टू फोर्टी फोर ईयर्स तो आपको बताना है फिगर के अकॉर्डिंग की विच कंडीशन द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन के अंदर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन और न्यूरो साइथैट्रिक कंडीशन इंजरीज कार्डियोवेस्क्यूलर कंडीशन रेस्पिरेटरी और अदर केसेस है ना तो वो हमको सिर्फ डेटा को देख के बताना है है ना एंड ऐसे ही हमारे पास जो आगे वाले क्वेश्चन है वो सब में भी ऐसा ही है और जो क्वेश्चन ड्रॉ करने वाले हैं वो हमारे आएंगे नहीं तो सीधा हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट फोर पे जिसमें हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आप लोग तीन चीजें पढ़ोगे दैट इज मीन मोड मीडियन अब मीन मोड मीडियन का होता है है ना और यही मीन मोड मीडियन आपके क्लास टेंथ में भी यूज आएंगे एज इट इज बस थोड़ा सा अपडेटेड uh, फॉर्म में जिसके अंदर थोड़े से थोड़े से बड़े होंगे अब अगर हम मीन मोड मीडियन की बात करें तो मीन क्या होता है मीन का मतलब होता है नॉर्मल एवरेज जो कि हम लोग क्लास एट तक पढ़ते आए कि भैया फाइंड द एवरेज ऑफ दिस क्वेश्चन फाइन द एवरेज ऑफ दैट क्वेश्चन तो मीन का मतलब क्या होता है मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला सेम बनता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसको हम लोग पुट सॉरी इसको सिम्बलाइज कैसे करते हैं एक्स बार एक्स के ऊपर बार से हम लोग जब भी एक्स के ऊपर बार आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि भैया ये मीन की बात कर रहे हैं मोड मोड बहुत ईजी होता है जो मोड होता है वो होता है अनग्रुप डेटा का अभी हम लोग अनग्रुप पढ़ रहे हैं क्लास टेन के हम लोग ग्रुप डेटा का मोड और मीडियम भी देखेंगे तो अनग्रुप डेटा का मोड क्या होता है मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट होता है क्योंकि हमने जब लास्ट वीडियो के अंदर फोर्टीन पॉइंट वन के वन के अंदर जो हमने इसकी टेबल बनाई थी तो टेबल के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था शायद वो ब्लड ग्रुप पे बेस्ड था तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप जो थे जैसे ए बहुत बार रिपीट हुआ फिर बी रिपीट हुआ फिर ओ बी एंड ए सॉरी ओ बी क्या ए बी एंड ओ रिपीट हुआ उससे क्या होता है कि जितनी हाईएस्ट बार जो वैल्यू रिपीट होती है वो उसका मोड हो जाता है कि भैया ये इसका मोड है तो वो ये हमारा मतलब यहां पे कि वैल्यू दैट अकर्स ग्रेटर टाइम्स ठीक है एंड द नेक्स्ट इज मीडियन मीडियन का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारा डेटा दे रखा है आपने डेटा काउंट करा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन अगर कोई डेटा इलेवन टाइम्स है इलेवन मतलब और नंबर है तो जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा इलेवन प्लस वन अपॉइंट टू इलेवन प्लस वन अपॉइॉइट टू कैसा आ रहा है इलेवन प्लस वन अपॉइंट टू ऐसा आ रहा है कि इलेवन प्लस वन ट्वेल्व ट्वेल्व अपॉइंट टू सिक्स तो जो सिक्स टर्म होती है ना वो आपका आंसर होता है और अगर हमारा डेटा इवन है इवन मतलब टेन नहीं है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसका हमको मीडियम लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग करेंगे टेन अपॉइंट टू दट इज फाइव एंड देन प्लस वन जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारी सिक्स टर्म हो जाएगी और यहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज़ है क्लियर है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन फोरटीन पॉइंट फोर के क्वेश्चन वन क्या है हमारे पास फोरटीन पॉइंट फोर का कि द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ टेन मैचेस भाई दस मैच हुए उसके अंदर नंबर ऑफ गोल्स का जो हमारे पास डेटा है वो ये रहा रेस्पेक्टिवली टू थ्री फोर फाइव जीरो वन थ्री थ्री फोर थ्री अलग अलग है वह अब क्या होगा आपको निकालना है फाइंड द मेन मोड एंड मीडियन हमको तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है ईजी है हमारे लिए सबसे पहले आप क्या करो सबसे पहले आप डेटा को अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप अरेंज करोगे तो वैसे कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो तो हम लोग पहले उसको अरेंज कर लेते हैं जीरो सबसे छोटा देन बड़ा वन टू थ्री कितनी बार है एक दो तीन चार फोर टाइम्स थ्री है तो फोर फाइव सिक्स सेवन तो यही हो गए हमारी वैल्यूज टू टाइम्स फोर एंड वन टाइम फाइव है ये हमारे पास दस मैचेस का पूरा डेटा हो गया और ये अरेंज्ड है सबसे पहले आपको निकालना है मीन मीन के लिए मैंने क्या बताया था आपको मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स या ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब करना है हमको दैट इज जीरो प्लस वन प्लस टू फोर टाइम्स थ्री प्लस फोर प्लस फोर प्लस फाइव अपॉन में कितना ये कितने नंबर है हमारे पास टेन इनको सम किया हमने हमारे पास आया ट्वेंटी एट बाई टेन दैट इज़ टू पॉइंट एट तो इसका जो एवरेज है जो मीन है हमारे पास वो कितना आ रहा है हमारे पास टू पॉइंट एट फाइन अब नेक्स्ट इसी के अंदर हमको निकालना था इसका मीडियम uh, और मोड तो मोड सबसे पहले हमारे पास इजीली जो फाइंड आउट हो रहा है वो मोड है क्योंकि मोड मतलब क्या होता है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है इसके अंदर थ्री फोर टाइम्स यानी कि हमारा मोड हो गया थ्री चलो अब आ जाओ मीडियन पे मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि मीडियन के लिए नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं हम लोग कि भाई इवन है या ऑर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म टेन है हमारे पास यहां पे। अब वैसे क्या होता है मिड वाली वैल्यू होती है अगर यहां पे जैसे ऐसा होता है वन टू थ्री फोर फाइव अब फाइव के पास सिक्स अगर एक और नंबर होता तो वो हमारा मीडियन हो जाता पर यहाँ पे हमारे पास बीच में तो वैल्यू अटक रही है वो हमारी अटक रही है फोर्थ तो, और सॉरी फिफ्थ और सिक्स टर्म हमारे पास जो है वो अभी स्टक हो रही है यहाँ पे तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा एन अपॉन्ट टू है ना एन अपॉन्ट टू मतलब एन अपॉन्ट टू हमारे पास फिफ्थ टर्म है फिफ्थ टर्म हमारे पास थ्री है और प्लस वन तो फिफ्थ टर्म प्लस वन तो आंसर वैसे ऐसा होना चाहिए अगर हम लोग बाय फार्मूला देखें तो ये होना चाहिए एन अपॉन्ट टू प्लस वन तो फाइव प्लस वन यानी कि सिक्स टर्म वैसे सिक्स टर्म आंसर होना चाहिए हमारा दैट इज़ थ्री और हम वैसे भी कर सकते हैं कि जो दो वैल्यू हमारे पास स्टक हो रही है थ्री प्लस थ्री इसका एवरेज ले लो टू तो सिक्स अपॉन्ट टू कितना आ रहा है ये थ्री तो इस केस में भी आंसर क्या है, है हमारे पास सेम क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर थ्री अब जो क्वेश्चन टू है वो मैं आपको वैसे ही पी डी एस में तो दूंगी बट ईजी uh, है वो क्वेश्चन क्योंकि उसके अंदर आपको क्या निकालना है मैथामेटिक्स uh, टेस्ट के जो आपके फिफ्टी स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो हमने रिकॉर्ड किए हैं आपको उसका मीन निकालना है मीन के बाद आपको मीडियम निकालना है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग तो खुद भी ट्राई करो नहीं आता है तो आप लोग तो स्कूल तो में वैसे ही पूछ सकते हो ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि अगर आपको द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी ये हमारे पास अरेंज्ड है मीडियन ऑफ द डेटा इज सिक्सटी थ्री मतलब मीडियम गिवन है हमको हमको पता है कि इसका मीडियम सिक्सटी थ्री है देन वी हैव टू द वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज डेटा अच्छा मीडियम मतलब टर्म्स कितनी है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन मतलब ईवन है ये इवन है तो दो नंबर अटकेंगे हमारे पास बीच में अगर हम लोग हमारे नॉर्मल तरीके से देखें दैट इज एक्स और एक्स प्लस टू तो सब तरीका क्या होता है कि आप एक्स और एक्स प्लस टू का क्या ले लो एवरेज तो मीडियन का मतलब ये भी तो होता है सिक्सटी थ्री हमें गिवन है यहाँ पे हमने लिया एक्स और एक्स प्लस टू दोनों का एवरेज लिया दो ही नंबर है तो मतलब टू आया इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो रहा है एक्स और एक्स टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई टू ये टू यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई क्योंकि इसके डिवाइड में है ये ये हो जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स ठीक है एंड यहाँ पे से हो जाएगा टू एक्स प्लस टू अब प्लस का टू यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा वन ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू एंड यहाँ पे बचा एक्स तो ये कितना आ गया सिक्सटी टू अगर एक्स की वैल्यू सिक्सटी टू है तो ये नंबर तो हमारे पास सिक्सटी टू हो गया तो दूसरा कितना जाएगा सिक्सटी टू प्लस टू दैट इज़ सिक्सटी फोर तो ये हमारे वो रिक्वायर्ड नंबर है सिक्सटी टू और सिक्सटी फोर जो कि हमारे मिसिंग थे ठीक है यानी कि वैसे सिक्सटी फोर तो निकालना था नहीं उसने सिर्फ हमसे एक्स की ही वैल्यू पूछी थी डैट इज़ सिक्सटी टू क्लियर है और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मोड बताना है तो मोड तो हमको दिख ही रहा है सबसे ज्यादा मोड फोर्टीन है उसके अंदर जो फोर्टीन टाइम्स आ रहा है अब इसका लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन क्योंकि हमारे एमसी आएंगे तो एमसी में इतने बड़े क्वेश्चन लगेंगे नहीं एमसी में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे टीचर्स क्योंकि आ, ये वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं है ना पर हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन फिफ्थ के अंदर हमारे पास क्या है हमारे पास पूरी टेबल है हमको उस टेबल का मीन निकालना है इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रही में ये वाला क्योंकि टेबल से हमको मीन निकालना है और जो टेबल है वो हमारे पास डेटा किसका है सिक्सटी वर्कर्स का है सैलरी है उनकी अब है कैसे ही जैसे जिनकी सैलरी थ्री थाउजेंड है ऐसे हमारे पास सिक्सटीन वर्कर्स है जिनकी फोर थाउजेंड ऐसे ट्वेल्व है देन फाइव थाउजेंड वाले टेन है सिक्स थाउजेंड वाले एट है सेवन थाउजेंड वाले सिक्स है और जो टेन थाउजेंड सैलरी जिनकी वो एक ही वर्कर है इनके पास तो आपको मीन सैलरी निकालनी है कि मतलब एवरेज सैलरी कितनी है लगभग लगभग उसके लिए क्या करना होता है हमको इसको हम लोग मानते हैं एक्स और इसको हम लोग मानते हैं एफ तो हमको इनका मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे तो हमने पहले करा थ्री थाउजेंड इंटू सिक्सटीन ऐसे लिख लो पहले ठीक है टेन फिर सिक्स थाउजेंड इंटू एट सेवन थाउजेंड इंटू सिक्स एट थाउजेंड इंटू फोर नाइन थाउजेंड इंटू थ्री एंड टेन थाउजेंड इंटू वन ये हमने कर लिया ये हमारे पास आया फोर्टी एट थाउजेंड ट्वेल्व फोल्स फोर्टी एट अगैन फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी एट फोर्टी टू थर्टी टू ट्वेंटी सेवन एंड द लास्ट इज़ टेन थाउजेंड ठीक है ये आया हमारे पास अब हमारा हमारे पास सम कितना आ रहा है टोटल कैसे लिखेंगे इसको इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिग्मा से सिग्मा का मतलब ही सम होता है सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अगर आपने साइन लगा दिया पे इसका मतलब आपको प्लस करना प्लस करना ही करना है और टीचर समझ जाता है कि भैया ये प्लस का साइन है मतलब प्लस किया है बच्चे ने ई सिक्सटी हो गया हमारा और ये हमारा कितना आएगा सिग्मा पूरा हमारा एफ इंटू एक्स जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा थ्री लैख फाइव थाउजेंड ठीक है अब नॉर्मल जो मीन होता है वो कैसे निकलता है हमारा मीन मीन निकालते हैं हम लोग मीन सैलरी हमारी आएगी सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर अब सम ऑफ ऑल नंबर कितना आया हमारे पास थ्री जीरो फाइव ट्रिपल जीरो और ये कितना आया सिक्सटी जब हमने उसको वैल्यू सॉल्व करी तो ऑब्वियस बात है पूरा तो कटेगा नहीं है ना तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी और कितना आएगा हमारे पास रुपीज़ के अंदर आएगा फाइव जीरो एट थ्री पॉइंट थ्री थ्री इसका मतलब ये होता है कि कम से कम एवरेज इतनी सैलरी तो है ही एक मजदूर या फार्मर जो भी है वर्कर्स की कि भैया फाइव जीरो एट थ्री पॉइंट थ्री थ्री रुपीज के अंदर उसकी सैलरी है ठीक है सिक्स क्वेश्चन के अंदर आपको करना नहीं सिक्स क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच वो हमको करना नहीं है, है ना अब आ जाओ अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा ठीक है इसके बाद हमारी फोर्टीन पॉइंट थ्री खत्म हो चुकी है अब हमारे पास टर्म वन का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक चैप्टर बच रहा है ट्राइंगल्स जो कि हम लोग क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं वीडियोस उसके हमको आपको देना है अब उस चैप्टर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं ठीक है तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में तो आएंगे नहीं तो हम लोग सिर्फ वो वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए आगे के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और जिस जिसपे हम बेस हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लग सकते हैं क्लियर है और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग तो हमसे पूछ सकते हो थैंक यू हैव अ गुड डे